इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? दैट इज एनर्जी एक्वायर्ड बाई अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी एक्वायर्ड है, राइट, दिस इज व्हाट. लाइक एक कहीं पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और हमने एक चार्ज रख दिया Q1. सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी? जीरो. पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई. अब हमको एक चार्ज यहाँ पे रखना है Q2. तो इसको रखने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा इसको यहाँ रखने के लिए, राइट. तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज टू इट्स पोजिशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज अब Q1 की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई यहाँ पे. कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, होगी कोई बात नहीं. ये किसकी वजह से है? Q1 की वजह से. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाएगी, तो उसके अगेंस्ट में हमें काम करना पड़ेगा. वैसे भी सोचो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास में हम एक पॉजिटिव चार्ज लाएं, तो इसको यहाँ रखने के लिए हमें कुछ तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा, और अगर हम इसको आगे ले जाएं तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, राइट. तो वो जो हम काम करते हैं वो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, राइट. तो पोटेंशियल एनर्जी किन किन केसेस में होगी? या तो कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है, या कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, जैसे कि ये सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हो गया, ठीक है. या अगर एक यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें मैं यहाँ पे एक चार्ज रखूँ, तो ऑब्वियसली इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, राइट. और जब सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करते हैं, तो एक चार्ज बाकी सबकी फील्ड में होता है, करेक्ट. तो पोटेंशियल एनर्जी इन दो केसेस में होगी, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसमें कोई चार्ज रखो, या कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, करेक्ट. सो नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. That is U12 is equal to KQ1 Q2 upon R12. हमारे पास दो चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R12, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई सिस्टम की, राइट. Q1 इज इन फील्ड ऑफ Q2 एंड Q2 इज इन फील्ड ऑफ Q1, राइट. अब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम की होती है, एक सिस्टम की होती है, राइट. ये पोटेंशियल एनर्जी ना तो Q1 की है ना Q2 की है, ये दोनों की है. अब इंडिविजुअली किसकी कितनी है वो आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, इंडिविजुअली किसकी कितनी है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा या तो सिस्टम ऑफ चार्ज की होगी. हाँ, अकेला चार्ज है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, राइट. वो अभी करते हैं, पहले ये देख लें. अब ये तो हो गया टू चार्ज. इसको हम कैलकुलेट करना हो या बाय डेफिनेशन करना हो तो कैसे होता है? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस ऑफ सिस्टम. जो भी हमारा सिस्टम है उसके जो भी चार्जेस हैं, इन ब्रिंगिंग चार्जेस ऑफ सिस्टम फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर पोजिशन. इन्फिनिटी से उनकी खुद की पोजीशन पे लाने में जो वर्क हमें करना पड़ा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. तो ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है? फर्स्ट वर्क ऑन Q1 जीरो, W1 इज इक्वल टू जीरो. क्यों?
पहले अकेला चार्ज हमने ला के रखा, तो जब अकेला चार्ज आएगा तो उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, वर्क डन करना ही नहीं पड़ा। जैसे मैंने बताया था कि एक अकेला चार्ज ला के रखे तो वर्क होगा ही नहीं, तो वर्क डन जीरो हो गया। हाँ, जब सेकेंड चार्ज लाएंगे तो ये उस पर फोर्स लगाएगा। सो वर्क ऑन क्यू टू इज व्हाट, दैट इज के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू। सो द पोटेंशियल एनर्जी इज सम ऑफ द टू वर्क, राइट, इन दोनों का सम हो गया। ये मैंने आपको बताया बिकॉज इट इज फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज, करेक्ट। इतना समझ में आ गया बच्चों? राइट, फॉर सिस्टम ऑफ मोर देन टू चार्जेस, मैं यहां पे बनाता जाऊंगा साथ साथ वर्क लिखता जाऊंगा। ये एक चार्ज Q1 हम इन्फिनिटी से लेके आए, तो वर्क ऑन Q1 कितना, W1 इज इक्वल टू जीरो। फिर सेकेंड लेके आए कहीं भी, सो दैट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 है। नाउ आगे के लिए अंडरस्टूड है, R12 मींस 1 एंड 2, R13 मींस 1 एंड 3। तो वर्क ऑन Q2 W2 is equal to K Q1 Q2 upon R12। ये तो हो गया सेकेंड चार्ज पे। अब अगर हम एक थर्ड चार्ज लेके आते हैं, सेकेंड चार्ज के लिए तो एक ही चार्ज था Q1, थर्ड के लिए दो हो गए, तो दो अलग अलग वर्क हमें ऐड करने पड़ेंगे, एक तो वन वाला और एक सेकेंड वाला। तो वर्क ऑन Q3 कितना हो जाएगा, W3 is equal to K Q1 Q3 upon R13 plus K Q2 Q3 upon R23, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली दो एक्सप्रेशन होंगे, एक फर्स्ट की वजह से और एक सेकेंड की वजह से। इज इट क्लियर? इफ आई ब्रिंग अनदर वन Q4, then what will happen? तो क्या होगा, that is W4 is equal to, अब तीन वजह से होगा, फर्स्ट की वजह से भी होगा, सेकेंड की वजह से भी होगा और थर्ड की वजह से भी होगा। तो क्या हो गया, K Q1 Q4 upon R4, K Q1 को Q4 upon R14 plus K Q2 Q4 upon R24 plus K Q3 Q4 upon R34। Now you understand? अब मैं पांचवा चार्ज लाऊंगा तो चार की वजह से, ठीक है। तो टोटल वर्क इन सबको ऐड कर देंगे, टोटल वर्क के लिए इन सबको ऐड कर देंगे, राइट। सो टोटल वर्क क्या हो गया, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, राइट। अब आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 एंड 2, सेम फॉर्मूला। दिस इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 एंड 3, this is what potential energy of 2 and 3, this is 1 and 4, 2 and 4, this is 3 and 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये चार चार्ज है 1 2 3 4, कोई दो लेके कॉम्बिनेशन बनाने हैं, जितने भी बन जाए, कोई भी दो लेके, लाइक कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4 एंड 3 4, टोटल सिक्स कॉम्बिनेशन हो गए ना,
टोटल 6 कॉम्बिनेशन हो गए, तो ये 6 को ऐड कर दो, दैट इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज U12 प्लस U13 प्लस U14 प्लस एंड सो ऑन, राइट। इस तरह से आप ऐड कर दोगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ जाएगी। ओके हाँ बोल। पोटेंशियल एनर्जी बस यही जो चल रहा है ना, सोच ले यही पढ़ा है अभी तक। हो गया, हो गया बच्चों, कुछ पूछना है किसी को? दिशा, जया, नहीं, ऑल डन। अरे वो तो ठीक है, क्वेश्चन वेश्चन भी होने चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। नाउ आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड एक्सटर्नल फील्ड, क्योंकि फील्ड तो हमेशा है। लाइक अगर मैं ये सिस्टम की बात करूं तो फील्ड तो इस सिस्टम में भी है, ठीक है, फील्ड तो इस सिस्टम में भी है, कौन सी है। अगर मैं इस पे बात करूं तो इसकी फील्ड भी है, इसकी फील्ड भी है, इसकी फील्ड भी है, बट ये इंटरनल फील्ड है, आपस में सिस्टम ऑफ चार्ज की फील्ड है। यहां पे हम बात क्या कर रहे हैं, जो चार्जेस है उनकी फील्ड नहीं, कुछ और है, एक्सटर्नल फील्ड है जो उसका सोर्स हमें मालूम नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, दैट सोर्स कैन बी एनीथिंग। मान लो ये रूम है, इस वॉल को मैं पॉजिटिव चार्ज कर दूँ, इस वॉल को नेगेटिव चार्ज कर दूँ, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे चार चार्ज रखें, यहाँ पे चार चार्ज रख दिए, ठीक है, राइट। डिस्क्राइब करता हूँ, अब मान लो ये मेरे पास मेरा रूम था, मेरे रूम में ये एक वॉल थी, ये एक वॉल थी, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको नेगेटिव चार्ज दिया, तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई ई, ठीक है। ये कोई और सोर्स है जिसकी हम बात ही नहीं कर रहे। अब मैं यहां पे चार चार्ज रख दूं, Q1, Q2, Q3, Q4, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी अपने इंटरनल सिस्टम की वजह से तो होगी, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, बट इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी होगी, तो दैट इज एन एक्सटर्नल फील्ड, करेक्ट। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड पार्थ? रिधि, राइट। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इसमें हमने चार्ज रखा क्यू, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, यहां पे पोटेंशियल चाहिए, व्हाट वी नीड इज पोटेंशियल, तो यहां पे पोटेंशियल वी हो गया, दैट इज फर्स्ट, करेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू यू इज इक्वल टू क्यू वी, राइट, ठीक है। अब यहां पे मैं खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर देता हूं अपनी बात को, हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कभी एब्सोल्यूट नहीं होती, पोटेंशियल कभी एब्सोल्यूट नहीं होता, दैट इज ऑलवेज चेंज। तो यहां पे हमने पोटेंशियल को एब्सोल्यूट लिया, नहीं, हमारी डेफिनेशन क्या थी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है, तो दिस पोटेंशियल माइनस दैट पोटेंशियल है, क्योंकि वो जीरो है, तो इसलिए हम उसको कंसिडरेशन में नहीं ले रहे, ओके। तो हमेशा जब भी हम पोटेंशियल लिख रहे हैं तो वो एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल है, क्योंकि या तो हम उसको इन्फिनिटी के रेफरेंस से ले रहे होंगे या कि नहीं, दो पॉइंट के रेफरेंस से ले रहे होंगे, तो हमेशा वो रहेगा चेंज ही, तो हम कहीं भी कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, जब भी लग रहा होगा ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे तो भी नहीं हो रहा होगा। नाउ अब यही काम मैं दो चार्जेस के लिए करूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट है ए, यहां पे एक चार्ज रखा Q1, ये पॉइंट है बी, यहां पे एक चार्ज रखा Q2।
अब मुझे पोटेंशियल चाहिए किसका, ए पॉइंट का भी और बी पॉइंट का भी। ये पोटेंशियल मान लो वी वन है, ये पोटेंशियल मान लो वी टू है। तो अब अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अब पोटेंशियल एनर्जी होगी फर्स्ट चार्ज की, सेकेंड चार्ज की और इनकी आपस की, फर्स्ट चार्ज की, सेकेंड चार्ज की और इनकी आपस की, करेक्ट। तो फर्स्ट चार्ज की कितनी हो गई, ये तरीके से कितनी हो जाएगी, Q1V1। सेकेंड चार्ज की Q2V2 एंड प्लस आपस की K Q1 Q2 अपॉन R12। आयुष इससे पहले तो पूछे क्या हुआ, तो बस ये पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं हम जब से, ओके। Q1V1 प्लस Q2V2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R12, इज इट क्लियर? ठीक है, अब यही काम तीन चार्जेस के लिए करते हैं तो क्या होगा, थ्री डिफरेंट चार्जेस, ये हमारी एक्सटर्नल फील्ड, ये एक चार्ज Q1, ये एक चार्ज Q2, ये एक चार्ज Q3, एंड नॉट नेसेसरी ये लाइन में हो, ये तो जस्ट मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए बना रहा हूँ, ये कहीं भी हो सकते हैं, रेंडमली प्लेस्ड हो सकते हैं। अब दो चार्ज है तो हमेशा लाइन में रहते ही हैं, लेकिन अगर तीन है तो दे मे बी ए ट्राइंगल, दे मे बी समवेयर रेंडमली प्लेस्ड इन ए लाइन और समथिंग, करेक्ट। तो हमको क्या चाहिए, पहले यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए V1, यहाँ का पोटेंशियल हो गया V2, यहाँ का पोटेंशियल हो गया V3। अब हमको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो क्या होगी, फर्स्ट चार्ज की U1, व्हेन आई एम राइटिंग U1 मींस फर्स्ट चार्ज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, देन सेकेंड चार्ज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड U2, देन थर्ड चार्ज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड U3। अब फिर इन तीन की आपस में, आपस में तीन कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, U12, U13 एंड U23। तो इन सब को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी, आई नीड टू राइट द एक्सप्रेशन, यू नो व्हाट टू राइट, करेक्ट हो जाएगा बच्चों। Yes, किसी को कुछ पूछना है? बाकी लोग भी कभी हाँ ना बोल दिया करो, पूरे सिस्टम में ना मेरे को तीन लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, एक पार्थ की, एक रिधि की, एक लिपिका की, ठीक है, क्योंकि लिपिका आज यहाँ बैठी है तो किसी को सुनाई नहीं दे रही। उसके अलावा कभी कभी आवाज़ आती है आर्यन जैन की प्रॉब्लम्स पूछने के लिए या फिर आयुष द्विवेदी की, ठीक है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं बोलता, सब बिल्कुल अपना भाषण चल रहा है सुन लेते, पिक्चर चल रही है देख लेते, ठीक है, राइट। और उसके बाद अगर पिक्चर पूरी ख़त्म होने के बाद टेस्ट करें ना, मेमोरी टेस्ट, तो पता चले आधा गायब है, ठीक है, फिर बोलते सर समझ में तो आ जाते सब कुछ, क्वेश्चन नहीं होते, देन मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ये होते, समझ में तो सब कुछ आ जाता क्वेश्चन नहीं होते। इन्वॉल्व करो खुद को, खुद को इन्वॉल्व करोगे तो सीखोगे, इफ कीप ऑन लिसनिंग लाइक ए साइलेंट लिसनर तो फिर ऐसे ही रहता है क्योंकि फोकस्ड नहीं रहता, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए, फिजिक्स है ये, मतलब रट के काम चलता नहीं है एक्चुअली, और मेरे लिए इतनी बड़ी समस्या होगी ना, लाइक मुझे मैं इन डेप्थ इसलिए बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि एम सी क्यूज है, राइट, और एम सी मतलब टीचर लोग ना कितने उस्ताद होते हैं तुम लोगों को नहीं पता, काम कोई करना नहीं चाहता, सीधे बुक से उठा के क्वेश्चन देते हैं। अब बुक्स में क्वेश्चन कौन से अवेलेबल है, जेई के, नीट के, एमसीक्यूज तो उन्हीं के अवेलेबल है ना,
ठीक है, ट्वेल्थ क्लास के तो एमसीक्यू थे ही नहीं कभी, ठीक है। तो अब या तो क्वेश्चन बहुत आसान होंगे जैसे वो वी वर डूइंग ना केस स्टडीज, या तो बहुत आसान होंगे या फिर ऐसे होंगे जो होंगे नहीं। सो थोड़ा सा इन्वॉल्व हो, थोड़े खतरनाक गेम की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा इन्वॉल्व हो, थोड़ा सा काम करो तो हो जाएगा, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, ठीक है आयुष? गुड, दैट शुड बी द स्पिरिट। ओके चलो, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी वाला खत्म, ठीक है। किसी को यहां तक कुछ पूछना है? नहीं। नाउ कैपेसिटर का बहुत ज्यादा नहीं है एज फार एज थ्योरी के लिए, हाँ काम करने के लिए बहुत ज्यादा है, तो जब क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत ज्यादा होंगे कैपेसिटर के। थ्योरी वाइज थोड़ा सा है तो मैं आज वो खत्म कर देता हूँ। ओके राइट, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करते हैं। ओके हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चीजें, दो मीडियम्स के बारे में पढ़ा, वन इज कंडक्टर एंड अनदर इज डाइलेक्ट्रिक, राइट। एक कंडक्टर और एक डाइलेक्ट्रिक। अभी तक हमने जो पढ़ा वो एक बार रिव्यू करते हैं। कंडक्टर की आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बता सकते हो, बोलो। फर्स्ट, चार्ज ऑन सरफेस, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंड दिस इज आउटर मोस्ट सरफेस। व्हेन वी आर सेइंग द सरफेस मींस आउटर मोस्ट सरफेस, चार्ज ऑन आउटर मोस्ट सरफेस, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, यानी जो सर्फेसिस कंडक्टिंग होंगी वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस होंगी। कैन यू टेल मी द रीजन वाई दे आर इक्विपोटेंशियल, एग्जैक्ट रीजन कि कंडक्टिंग सर्फेसिस इक्विपोटेंशियल होती है, डायलैक्ट्रिक नहीं होती। वट इज द बेसिक कॉज ऑफ बींग दे आर इक्विपोटेंशियल? बिकॉज द चार्ज कैन फ्लो इन कंडक्टर, ठीक है। और कंडक्टर की जितनी प्रॉपर्टीज है वो सब इसी वजह से होती है, बिकॉज चार्ज कैन फ्लो। जो भी कंडक्टर में प्रॉपर्टी है जो डाइलेक्ट्रिक से डिफरेंट है वो इसी वजह से है कि चार्ज फ्लो कर लेता है। चार्ज सरफेस पे क्यों होता है? क्योंकि फ्लो करके मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाता है, दैट इज द रीजन। थर्ड, फील्ड लाइंस आर नॉर्मल, हमेशा परपेंडिकुलर। अब फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है, क्यों होती है? क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सर्फेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों है? क्योंकि चार्ज सरफेस पे होता है, और चार्ज सरफेस पे क्यों होता है? क्योंकि वो मूव कर सकते हैं, राइट। सो फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल। फोर्थ, अब इक्विपोटेंशियल है तो जो इक्विपोटेंशियल की प्रॉपर्टीज है वो तो सारी अप्लाई हो ही जाती है, सो व्हाई शुड आई राइट देम अगेन एंड अगेन? जो भी इक्विपोटेंशियल सर्फेस की प्रॉपर्टीज है वो हो जाएंगी। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विल बी जीरो, ठीक है। फील्ड लाइंस आर नॉर्मल, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की है, तो ये हो गई, राइट। अदर देन दिस व्हाट? इनसाइड ई इज इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। एट सरफेस, एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, इसका कोई वो नहीं है कंडीशंस कुछ भी, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट। सिग्मा इज व्हाट? सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही होगी चाहे कुछ भी हो। ई इज इक्वल टू ऑलवेज सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होगी। जो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज नहीं है वो डायलेक्ट्रिक की हो गई, राइट। डायलेक्ट्रिक में चार्ज अंदर भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, क्योंकि चार्ज मूव नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी जो इंडक्शन फिनोमेना है ना वो हो सकता है, उसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब बाहर से चार्ज सप्लाई कर सकते हो,
अब चार्ज निकाल भी सकते हो, निकालने में क्या है न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है राइट। इक्विपोटेंशियल सरफेस होना जरूरी नहीं है, बट अगर एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, मतलब हमेशा ये मत करो कि ऐसा होगा ही नहीं, अगर ये एक यूनिफॉर्म स्फीयर है और ये फुल्ली चार्ज है तो सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, तो जितनी भी स्फेरिकल सर्फेसिस होंगी सारी इक्विपोटेंशियल होंगी, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सरफेस इक्विपोटेंशियल नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं होगी। कंडक्टर के केस में वो हमेशा होगी ही होगी, डायलेक्ट्रिक केस में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करेगा व्हाट काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इट इज, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है राइट। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अगर ये शेल है तो अंदर चार्ज ही नहीं है तो जीरो हो जाएगी, लेकिन इफ इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, हर जगह चार्ज है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, करेक्ट ठीक है। और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, एंड फील्ड लाइन्स नॉर्मल होना जरूरी नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, करेक्ट। इतना ठीक है बच्चों? Yes. अब डायलेक्ट्रिक में हमारे पास दो टाइप के डायलेक्ट्रिक होते हैं, कौन कौन से, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, पोलर में मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट के लिए मैं वेक्टर वो पी यूज कर रहा हूं, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट यानी जो डायलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल है उसका डायपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू होगी, यानी विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये हमेशा जीरो होता है नॉन पोलर में, राइट। नाम से क्लियर है, पोलर्स मींस जिसमें पोल्स हैं, पोल्स हैं तो डायपोल है, डायपोल है तो डायपोल मूवमेंट भी होगा। नॉन पोलर मींस पोल्स नहीं है, पोल्स नहीं है तो डायपोल भी नहीं है, डायपोल नहीं है तो डायपोल मूवमेंट भी नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी आयनिक बॉन्ड वाले हैं केमिस्ट्री के हिसाब से, NaCl, NaCl में पॉजिटिव Na एंड नेगेटिव Cl और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस जिसको हम यूजुअली 2A बोल देते हैं, तो ये हो गया। नॉन पोलर की बात करें तो CO2 में C में चार पॉजिटिव, O में दो नेगेटिव, दो नेगेटिव वाले दो O, तो एक C एक O एंड एक O, ये चार पॉजिटिव तो ये दो पॉजिटिव मैं अलग कर दे रहा हूँ, इसमें दो नेगेटिव इसमें दो नेगेटिव, तो एक डायपोल तो ये P1, एक डायपोल ये P2, दो डायपोल इक्वल एंड अपोजिट तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो, तो दो डायपोल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो, राइट। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। द पोलर डायपोल मोमेंट इज नेवर इक्वल टू जीरो एंड नॉन पोलर नेट डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। इतना क्लियर है, कुछ पूछना है किसी को? नहीं, गुड। इन जनरल अब हम मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, इन जनरल फॉर ए डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस, फॉर ए डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ये डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है क्या?
असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. यहां पे एक मॉलिक्यूल नहीं है. दिस इज व्हाट डज द डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस मीन्स, असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. यानी हमने डायलेक्ट्रिक का एक सैंपल लिया, कोई भी छोटा सा सैंपल ले लो, इवन आप एक पेपर का बहुत छोटा सा पीस भी लेते हो तो उसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल डायपोल की बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, जैसे कि हमने डिफाइन किया था. जब हमने पोलर और नॉन पोलर को डिफाइन किया था तो हमने इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को डिफाइन किया था. यहाँ हम क्या कर रहे हैं, असेंबली ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर रहे हैं. तो इन जनरल फॉर ए डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस डायपोल मोमेंट इज जीरो फॉर बोथ पोलर और नॉन पोलर, राइट. रीजन फर्स्ट, फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स आर रैंडम. दीज आर रीजन फॉर डायपोल मोमेंट टू बी जीरो. क्योंकि पोलर है तो मॉलिक्यूल्स रैंडम है. अब रैंडम है ये तो वैक्टर सम होता है. अब बहुत सारे वैक्टर्स रैंडमली प्लेस्ड हो तो उनका वैक्टर सम जीरो हो जाता है. क्योंकि यहाँ पे दो चार वैक्टर नहीं है, ये मिलियंस बिलियंस होते हैं. तो बहुत सारे वैक्टर्स जब रैंडम डायरेक्शन में हो तो उनका सम जीरो हो जाता है. सेकेंड, फॉर नॉन पोलर नो मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट ही नहीं है. तो कितने भी ऐड कर दो सब में ही नहीं होगा, किसी में भी नहीं होगा. सो दैट इज व्हाट इज द बेसिक रीजन. तो हम डायपोल मोमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस केस में, तो इनकी रैंडमनेस को कम कर दो, और इस केस में इनको जबरदस्ती मतलब पोलर में कन्वर्ट कर दो, जो नॉन पोलर है उनको पोलर में कन्वर्ट कर दो. और ये दोनों काम हम कर सकते हैं. कैसे, ये हमारा एक डायपोल सिस्टम है, सब्सटेंस है. इसमें मैं जनरल पर्पस के लिए चार बना देता हूं. ये हमारे चार डायपोल है, सोच लो, ठीक है. अब ये चारों इक्वल है ना, अपोजिट है, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो गया, करेक्ट. अब हमने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ई नॉट. तो ये डायपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में है. डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क. किसकी बात हो रही है, पोलर, राइट. डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क. तो ये क्या है, टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे और घूम जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस. घूम के ये सीधे हो जाएंगे ऐसे. ठीक है, अब आप देखो, एक भी अगर अलाइन हो गया तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं रहा. एक भी अगर अलाइन हो गया तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ. तो यानी रैंडमनेस खत्म नहीं करने से क्या, कम करने से भी हो जाता है. रैंडमनेस कम कर दे तो भी हो जाता है. अब जितना फील स्ट्रांग करते जाएंगे उतना और बढ़ते जाएंगे. जितना हम फील स्ट्रांग करते जाएंगे उतना ही है और वो होते जाएंगे, राइट, जो है और घूमते जाएंगे अकॉर्डिंगली. तो ऐसे ही अलाइन होते जाएंगे अपने आप को, तो अब ये सीधे सीधे ऐड होने लगेंगे, राइट. तो सारे घूमना बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम सोच के चलें कि सब अपने आप को अलाइन कर दें तो क्या होगा, ठीक है, डायपोल मोमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, राइट. सो इस तरह से जब हम किसी डायलेक्ट्रिक सैंपल को जिसका ऑलरेडी डायपोल मोमेंट जीरो होता है, जनरल मतलब नॉर्मल केस में ये डायलेक्ट्रिक है तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, बट जैसे ही हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं
तो डायपोल्स अलाइन हो जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है. सो नाउ नेट डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन. एंड पोलराइजेशन इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज पोलराइजेशन. P is equal to dipole moment induced, इसको हम बोलते हैं induced per unit volume. Dipole moment induced per unit volume, यानी total कितना dipole moment आया per unit volume. ठीक है, और बाकी तो जितना बड़ा सैंपल होगा उतना ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, राइट, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये प्रोपोर्शनलिटी साई न डाएं तो वी गेट साई, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. ऐसी मैग्नेटिक भी होती है, आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए पढ़ी नहीं. ऐसे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, दिस इज वॉट ईज ऑफ पोलराइजेशन. जितनी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा उतना पोलराइज करना आसान. ठीक है, दिस रिप्रेजेंट ईज ऑफ पोलराइजेशन. तो ये तो हमने किया पोलर के लिए. व्हाट अबाउट नॉन पोलर? नॉन पोलर में हमारे मॉलिक्यूल्स के पास डायपोल मोमेंट है ही नहीं. तो हम सोचते हैं, ये सपोज अगर मैं CO2 को लूं तो क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर कंसाइड कर जाते हैं. दैट इज कंसाइडिंग. तो नेट डायपोल मोमेंट क्या है? जीरो है. अब हमने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया. अब सोच के देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ पुश करेगी और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये इसमें शिफ्टिंग ऑफ चार्ज हो जाएगी. दैट इज पॉजिटिव इधर आगे शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव इधर शिफ्ट हो गया. तो अकॉर्डिंगली एक गैप क्रिएट हो गया और ये डायपोल में कन्वर्ट हो गया. तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब ऐसे ही शिफ्ट हो जाएगा चार्ज. इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ चार्ज सेंटर, एंड द प्रोसेस दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पोलराइजेशन. इसी को भी हम पोलराइजेशन ही बोलते हैं. ठीक है, इतना समझ में आ गया? कुछ पूछना है किसी को? नहीं, एक बार रिवाइज कर लेना ये, जरूर थ्योरेटिकल है थोड़ा सा. ओके, नाउ डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें, ठीक है, मान लो ये मेरे रूम की वॉल्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हर जगह. लेट्स से दिस इज ई नॉट, ये ई नॉट फील्ड है. इसमें मैंने एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया, ये डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया, तो पोलराइजेशन होगा. पोलराइजेशन मींस पोल्स क्रिएट होना. पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? उस साइड, और नेगेटिव चार्ज इस साइड. तो इसकी सरफेस पे चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव, राइट. इन अदर वर्ड वी कैन से एक डायपोल मोमेंट डेवलप हो गया. अब ये एक चार्ज्ड सिस्टम है, इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी,
और इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. सो दिस इज ऐसे इंड्यूस्ड फील्ड. ठीक है, ई नॉट क्या है, अप्लाइड फील्ड जो हमने अप्लाई की, और ये क्या है, इंड्यूस्ड जो इंड्यूस हुई. सो हाउ मच इज नेट फील्ड इनसाइड, अप्लाइड प्लस इंड्यूस्ड, अप्लाइड प्लस इंड्यूस्ड, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और हमेशा ही अपोजिट होंगे. कोई और केस बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज जाएगा तो अपोजिट फील्ड भी इंड्यूस होगी. तो ये इसमें वेक्टर की जरूरत ही नहीं है मुझे, सीधे सीधे दोनों अपोजिट डायरेक्शन है. तो नेट क्या हो गया, ई नॉट माइनस ई आई. बट हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मीडियम इज 1/k टाइम्स, सो ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के. तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं, ई नॉट बाई के इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, एंड दिस विल हेल्प मी टू फाइंड आउट द इंड्यूस्ड फील्ड. कितनी, दिस इज इंड्यूस्ड फील्ड. तो ये हमारे पास इंड्यूस्ड फील्ड आ गई, करेक्ट. कुछ पूछना है यहां तक, हो गया. Energy in electric field. देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई भी चार्ज प्लेस कर दो तो उसको एनर्जी मिल जाती है. तो इट मीन्स एनर्जी है कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में. इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी है. अब वो एनर्जी कितनी है, दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर फ्री स्पेस. फॉर फ्री स्पेस एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नॉट एनर्जी, दिस इज एनर्जी डेंसिटी. जब हम एनर्जी डेंसिटी लिखते हैं तो स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं. यू ई इज इक्वल टू हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर, एंड बींग द एनर्जी डेंसिटी तो यूनिट इज जूल्स पर मीटर क्यूब. दिस इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी सिचुएशन, इट इज जस्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मीडियम, नथिंग मोर देन दैट. वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से है, कोई चार्ज पॉइंट चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई शीट है या कोई डायपोल है, उससे कोई लेना देना नहीं. दैट इज सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो एनर्जी डेंसिटी इतना हो गई, राइट. एक नया टर्म है आप लोगों के लिए, दैट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर. इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है. हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक सोप बबल है, याद आया, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दो, तो क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ठीक है, अब बबल है तो एक्सपैंड हो गया, मेटेलिक बॉडी होगी तो हमें एक्सपेंशन होता हुआ थोड़ी दिखेगा, बट फोर्सेस तो है ना, फोर्सेस थी तभी तो एक्सपेंड हो रहा था, तो एक्सपेंड नहीं भी होगा तो फोर्सेस तो रहेंगी ही ना, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फोर्सेस एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है. ठीक है, तो ये फोर्सेस, एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं डीएफ और एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं डीए. ठीक है, तो एक स्मॉल पोर्शन में स्मॉल एरिया पे, दैट इज डी एफ
बाई डी ए, ये भी सेम वही होता है जो एनर्जी डेंसिटी होती है, जो एनर्जी डेंसिटी होती है सेम वही होता है, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, राइट। तो अब मान लो मेरे पास ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है आर रेडियस का, मुझे इसके ऊपर प्रेशर निकालना है, इसके ऊपर प्रेशर निकालना है, तो कितना प्रेशर होगा? अगर मैंने इसको क्यू चार्ज दे रखा है तो कितना प्रेशर होगा इसकी सरफेस पे? तो दैट प्रेशर इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई इज व्हाट? कंडक्टर के लिए पहले ही डिफाइन हो चुका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दैट इज हाउ मच? सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, सो दैट विल बी द प्रेशर ऑन दिस। ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, ओके। तो एक एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, सो दैट्स व्हाई वी कैन फाइंड आउट प्रेशर, ठीक है। सोचो कैपेसिटर पड़ा तो है ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल गोल हो। कैपेसिटर में दो प्लेट होती है, होती है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो प्रेशर भी होगा। अब वो प्रेशर कितना होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखो प्रेशर हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ई कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स कितनी होगी? फोर्स हो गई प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो प्रेशर इनटू एरिया, तो ये आ गई सिग्मा स्क्वायर इनटू एरिया अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर आपको बताया फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। किसी भी जगह पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है और एरिया पता है तो आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। दिस इज बियॉन्ड द कूलम्स लॉ, जो कूलम्स लॉ से नहीं कर पाते हम वो इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? कुछ पूछना है यहाँ तक किसी को? नहीं, अगर हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर दें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो एनर्जी हो गई। सो व्हाट वी कैन से, दिस डिवाइस स्टोर्स एनर्जी, बेसिकली वो चार्ज स्टोर कर रही है और चार्ज की वजह से एनर्जी हो गई। तो ये डिवाइस एनर्जी स्टोर किया क्योंकि चार्ज स्टोर हुआ, चार्ज की वजह से एनर्जी स्टोर हो गई, तो कॉल्ड एज कैपेसिटर। समटाइम्स वी ऑल्सो से कंडेंसर। तो कैपेसिटर इज बेसिकली वॉट? एनीथिंग दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कॉल्ड एज कैपेसिटर, एनीथिंग व्हाटसोएवर, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगे तो हमको भी कैपेसिटर बोल देंगे, ठीक है, हमको भी कैपेसिटर बोल देंगे। तो कैपेसिटर इज नथिंग, दैट इज एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट एनी ऑब्जेक्ट को हम यूज नहीं कर पाते, क्यों नहीं यूज कर पाते? क्योंकि अगर मैं ये एक स्फीयर लूँ तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड हो गया, वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड होगी। वट वी नीड इज टू स्टोर द एनर्जी इन ए स्मॉल जोन, इन ए स्मॉल जोन। तो अगर मैं इसको एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर से कवर कर दूं, इसको मैं एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर से कनेक्ट कवर कर दूं, तो क्या होगा? फील्ड लाइन इससे यहां तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी एंड दिस विल बी द जोन जिसमें एनर्जी होगी।
सिर्फ इतने पोर्शन में एनर्जी होगी, बाकी कहीं भी नहीं होगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी नीड द टू प्लेट्स, वी नीड टू सर्फेसेस फॉर द कैपेसिटर। दैट इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, बट दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर द कन्वीनियंस, ठीक है। दूसरे, एनर्जी भी हम ज्यादा स्टोर कर पाते हैं, एनर्जी भी ज्यादा स्टोर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी मीडियम का एक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है। ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्यों होती है? अभी हमने बात किया कि हम पोलराइज कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया और नेगेटिव इधर चला गया। आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओ, फोर्स बढ़ती जाएगी और एक टाइम पे पॉजिटिव अलग हो जाएगा, नेगेटिव अलग हो जाएगा, ठीक है ना। आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओ, फोर्स बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, वो दोनों चार्ज को ऐसे नेगेटिव इधर जाएगा, पॉजिटिव इधर जाएगा, तो फाइनली एक पॉइंट पे तो ब्रेक हो ही जाएंगे ना। दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन ऑफ द मीडियम। तो हर एक मीडियम की अपनी एक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ भी होती है। तो हम एक लिमिट से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे सकते, एक लिमिट से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे ही नहीं सकते, तो अकॉर्डिंगली हमारा एनर्जी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, राइट। और हाँ, तो भी वो कैपेसिटर का काम करेगी, ठीक है, राइट। कुछ पूछना है किसी को? नहीं ना। किसी भी सिस्टम पे जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आता है, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटी, बेसिकली नेम्ड एज कैपेसिटेंस। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर और कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। यूनिट फैरेड। एज कूलम्ब इज वेरी लार्ज यूनिट, तो फैरेड इज वेरी लार्ज यूनिट, सो वी यूज टू राइट माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पीको फैरेड एंड सो ऑन। यहां से हमें एक चीज मिलती है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। दिस इज द वे टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस। किसी भी सिस्टम का हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, उसे कुछ चार्ज दे देंगे, फिर उसका पोटेंशियल मेजर कर लेंगे। दैट चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल, तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। बट इफ वी से सी प्रोपोर्शनल टू क्यू, कि सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट गलत है। सी इज ए कॉन्स्टेंट। देखो यहां से देखो, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी, अगर मैं वी को डबल कर दूं तो क्यू डबल हो जाएगा। क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, तो वी को डबल कर दिया तो क्यू डबल हो जाएगा। तो अगर क्यू टू क्यू हो गया तो वी भी तो टू वी हो गया, तो फाइनली तो क्यू बाई वी रहेगा ना। तो इसलिए इफ समबडी सेज कि चार्ज डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। चार्ज डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा। तो फिर कैपेसिटेंस डिपेंड करता किस चीज पे है? ये डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट आर दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज? दैट इज शेप, साइज एंड मीडियम। शेप, साइज एंड मीडियम, राइट।